हमारे साथ पूर्व मेयर सुधाकर सोनाने साहब हैं, जो वृक्षारोपण पर्यावरण सुरक्षा के लिए बड़ा काम कर चुके हैं। आज उनके प्रभाग में वृक्षारोपण भी किया गया। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से डेवलपमेंट के नाम पर इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करने का प्रोविजन किया गया, कितना गलत है? सुने शहर में इस प्रकार का जो वृक्ष पेड़ हो रहा है, जिस प्रकार से काम हो रहा है, वो असराहनीय है। इसकी सराहना नहीं के साथ इसका निषेध किया जा सकता है। और ये नौबत क्यों आई है, क्योंकि कुछ कम स्वार्थी नेता इसके पीछे लगे हुए हैं, इसमें से पैसा आदमी का काम कर रहे हैं और नवंबर को खूबसूरत की तरह करने का काम कर रहे हैं, इसका हम निषेध करते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी नेता है इन को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं, देखिए कि कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो प्रोजेक्ट देखिए ना, डिस्प्ले कीजिए, जनता के सामने लाइए, जनता को बताइए कि इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट आ रहा है, नई मुंबई को इससे बहुत फायदा होगा, करोड़ों रुपए का मुनाफा होगा, तो ठीक है। लेकिन एक चुपचाप अंदर से 100-100 मीटर के भूखंड गली गली में रास्ते रास्ते में बेच रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और इसके लिए जितने भारी मात्रा में लोग यहाँ उतरे हुए हैं और उसका निषेध कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग उतरे हुए हैं और उनका निषेध कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर एक तरह का महाविकास आघाड़ी सरकार को संकेत है। पहला आंदोलन हुआ था एयरपोर्ट नामांतरण के लिए, दूसरा आंदोलन ये मुंबई में अब हो रहा है, मुंबई के सुनियोजित विकास को डिरेल करने का जो आरोप लग रहा है उसके खिलाफ है ये, और ये आंदोलन कहीं ना कहीं और भी करवाने के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज बीजेपी के नेता सड़क पर उतरे हैं और जिस तरह से विरोध आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये आंदोलन और भी करवाएगा और जनता का आक्रोश सरकार को झेलना पड़ेगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।